शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी, बड़ी बिल्ली और आत्मा। बहुत पहले रूस में एक शिकारी ने एक सफ़ेद भालू पकड़ा। वो उसे राजा जार को दिखाना चाहता था। वो महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक जंगल था। उस जंगल से गुजरते समय रात हो गई। उसने एक झोपड़ी देखी तो उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसमें से एक आदिवासी निकला। शिकारी ने उसे पूछा, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आदिवासी मान गया, परंतु वो बोला, आज राजदूत आत्मा मेरे घर में एक उत्सव मनाने आ रही है। यह सुनकर शिकारी चुपचाप जाकर सो गया। आधी रात को आत्मा आई। भालू को देखकर वो उसे एक बड़ी बिल्ली सोची और उसे छेड़ने लगी। भालू को गुस्सा आ गया और वो जोर से दौड़ा। आत्माएं यहाँ वहाँ डर के भाग गया। अगले साल आदि आत्मा ने आदिवासी से पूछा, क्या बिल्ली अभी भी तुम्हारे घर में है? आदिवासी ने कहा, हाँ, उसने बच्चों को जन्म दिया जो उससे भी बड़े हैं। यह सुनकर आत्मा इतना डर गई कि वो कभी आदिवासी के घर नहीं आई। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों।